press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मुश्किल एक ही चीज़ थी, दैट वॉज द वेदर. अदरवाइज सेट पे हमने बहुत फन किया. हम हॉरर मूवी शूट कर रहे थे बट द होल कास्ट इज़ जस्ट अमेजिंग. और हम चार लड़कियाँ और दो लड़के हमेशा साथ में हम लोग बैठे रहते थे. इट वॉज नॉट लाइक कि सब अलग अलग बैठे हुए हैं. यूजली ऐसा हो जाता है जब बहुत बड़ी कास्ट होती है तो कुछ ना कुछ यू नो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. एंड वी वर देयर विद टुगेदर ऑल द टाइम. और या वेदर, लाइक आई सेड कि वेदर बहुत ठंडा था. और सो दैट वॉज द आई थिंक डिफिकल्ट पार्ट. अदरवाइज इट वॉज फन. या सिमिलर एक्चुअली द सेम थिंग. मुश्किल इनिशियली तो हम लोग व्हेन आई ऑल्सो साइन द फिल्म थोड़े मुझे भी डर लग रहा था. यू नो थ्री अदर हीरोइंस एज लीड्स एंड ऑल दैट पर्सनैलिटीज एंड स्टफ लाइक दैट. बात सही ये होता है. बट टचवुड फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड द फुल टीम ऑल द गर्ल्स आर एक्टर्स. एंड अ बिग शाउट आउट टू माई डायरेक्टर एंड हिज इंटायर टीम. यू नो ईच एंड एवरी वन ऑफ हिम द एडीज. एंड उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा. आई मीन हमारे को जो यू नो इन दैट ठंडी में जो दिक्कतें आती थी टू शूट. आई मीन हाथ पैर ठंडे हो जाए, यू कान फील योर फीट लिटरली, यू नो योर फ्रीजिंग लाइक दैट. एंड यू नो देड ऑलवेज बी दैट यू नो टू कीप यू वॉर्म एंड यू नो टू मेक श्योर योर कम्फर्टेबल एंड ऑल दैट. एंड यू नो आई मीन रियली रियली टुक सो सच गुड केयर ऑफ अस के माइनस आठ या दस या जो जितना भी टेम्परेचर गिरता था हम फिर भी खड़े होकर काम करते थे. तो एंड टीम अच्छी हो ना, अगर आई थिंक अगर ग्रुप इंटायर अच्छा हो, नॉट ओनली डायरेक्शन एंड एक्टर्स बट लाइट डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, हमारे सारे हेयर मेकअप के जो टीम सब थे बेचारे, ऑल ऑफ देम वर ऑल्सो सफरिंग विद अस एंड वी ऑल टुक केयर ऑफ ईच अदर. एंड आई मीन बाय द एंड ऑफ इट बिकॉज इतना सारा सबकी इतनी मेहनत लगी है, आई थिंक नाउ टू सी मुश्किल हियर इज़ अ वेरी फैंटास्टिक फीलिंग. और अगर आप मुझे पूछे कि हाउ आई फील राइट नाउ, आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. या दिस वॉज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस. जैसे कि बाकी माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी सेड दैट कि जो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी, लाइक फ्रॉम डायरेक्शन टीम टू प्रोडक्शन, इतनी ठंड में शूट करना, बट सब ने विदाउट किसी प्रॉब्लम के सबने शूट किया है. एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी देयर. एंड आफ्टर वॉचिंग द फाइनल प्रोडक्ट वी कैन से दैट कि थैंकफुली वट एवर हार्डवर्क वी हैव डन वो अब सबके सामने आने वाला है. एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल लव इट बिकॉज द होल फील ऑफ द फिल्म इज़ वेरी यूनिक. एंड दैट्स ऑल आई कैन से. आई थिंक इट्स अ टीम वर्क. जब टीम अच्छी होती है ना तो आपका काम कितना ही मुश्किल हो आसान हो जाता है. हाँ हाँ ऑफकोर्स है ना. मुझे बहुत मुझे डर बहुत लगता है व्हेन आई वॉच हॉरर मूवीज. नो वो एक एड्रेनलिन जो रश होता है ना, मैं डरती भी हूँ. मतलब अगर रात को इफ आई सी अ हॉरर मूवी तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू यू नो इवन रोम अराउंड माई ओन हाउस अंधेरे में. लेकिन आई लव दैट एड्रेनलिन. या मुझे वो जो भाड़ होता है और तुम एकदम जरूर हो जाते हो ना, मुझे बहुत मज़ा आता है. तो आई एम अ वेरी बिग डाई हार्ट फैन. और इसी वजह से आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव मेनली डन दिस मूवीज बिकॉज वी आर ऑल मेजरली फैंस ऑफ हॉरर मूवी. वो एक बात होती है ना, व्हेन यू आर अ फैन एंड यू सीन when you're you always have this wonder ki log shooting karte kaise hain, you know ye scenes kaatte kaise banate kaise. To wo bada hi interesting mujhe bada interesting laga, which is why I was like I want to know how people make horror movies and it was one of the biggest factors to do this. Baat meri inki to hame pata hai unhe life mein ek baar darr hai, aap bhi kahin pe aisa hua ya film mein aisa hua ki kahin pe aap darr gaye. नहीं नॉट रियली. मैं घूमती फिरती हूँ ढूंढते हुए कि भूत प्रेत आए, देख के वो डर जाते हैं. ये लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता है क्योंकि तुमको दिक्कत ना सब निकल जाते हैं. चल वो भी ठीक है, मे बी आई एम जस्ट वार्डिंग ऑफ ईविल ऑल द टाइम, सो इट्स अ गुड थिंग. बट नो नॉट विथ मी. मेरे साथ कुछ स्पूकी नहीं हुआ. मैं गिर पड़ गई थी. मेरी दूसरी को स्टार को लगा किसी ने मुझे धक्का दिया, उसको लगा, मुझे तो नहीं लगा.
but usko actually me she felt that she told me 2-3 times. In fact, even till today she'll say, I'm telling you, किसी ने धक्का दिया, मैं देख रही थी, you didn't fall like that, you were being pushed by somebody. तो यार तो ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन personally नहीं लगते. You know, but these kind of movies जो हम आप horror की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा space नहीं होता acting potential को focus करने के लिए. कितना ज़्यादा आपने आपको space मिला इसमें acting करने के लिए? Space, सी इट्स अगेन डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कंफर्टेबल कर लेते हैं. आप हॉरर कर रहे हो, आप रोमांस कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो. सो राजीव सर इज़ वेरी गुड एज एन डायरेक्टर एंड आपको मतलब मुझे काफ़ी स्पेस मिला. इज़ लाइक कि ओके आई थिंक हम सबके साथ ही यही हुआ. उन्होंने हमको सीन हमने रीड किया एंड इज़ लाइक ओके व्हाट यू वांट टू डू, ओके वी कैन ऐड ऑन दिस, यू नो. वो उस लेवल पे हमको बहुत स्पेस मिलता था कि ठीक है हमको एज अ कैरेक्टर आई वांट टू डू दिस. लाइक ओके ठीक है, इफ दिस इज सूटिंग योर कैरेक्टर यू डू इट, इट्स लुकिंग गुड, आई एम ओके विद इट. एंड हॉरर में एक्ट करने के लिए इट्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज बहुत एनर्जी आपकी लगती है एंड to get that feel to it's very difficult to act horror mein aur yeah that's how I personally feel that ki see koi bhi film ho chahe horror ho chahe comedy ho, it's not about that ki aapka role kitna bada hai, it's about ki how nicely you have done your job. And in this film sabke characters important hai, sabka एक अलग फ्लेवर है कैरेक्टर का. यू कान से कि अच्छा निभाना का कैरेक्टर इज़ लाइक तब्बू और लाइक सिमर और एनी बडी. सो आपका अपनी अपनी जगह पे सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इफ़ आई से कि अगर किसी को भी आप हटाओगे, यू कान से कि दिस रोल इज़ बिगर और स्मॉलर. इट्स अबाउट हर किसी ने अपना जो रोल है बहुत अच्छे से किया है, इंक्लूडिंग लाइक एवरी बडी, लाइक इवन द स्मॉल जो स्मॉल कास्ट थी, इवन दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. सो आई थिंक एज अ फिल्म I think we are quite satisfied with whatever we have done. See, character ka story se connect hona bahut zaruri hota hai aur wo mushkil mein hai. Hum sabka character kahin na kahin it's connected to something. Basically, I think ke perform karne ke liye is one thing. We had a lot of action sequences, matlab बहुत सारे स्टंट्स थे एंड स्टफ लाइक दैट वेर यू नो आई एम गर्नीस पे थे एंड देन यू गेटिंग फ्लंग अराउंड एंड ऑल दैट. तो मैं आई हैव नेवर डन दैट बिफोर. तो उस फॉर मी आई मीन परफॉर्मेंस इज़ वन थिंग, कैरेक्टर वॉज गुड एंड ऑल, बट दिस वॉज अ न्यू चैलेंज क्योंकि स्टंट्स हम अपना खुद ही कर रहे थे, यू नो. तो आई थिंक दैट वॉज अ लिटिल चैलेंजिंग क्योंकि ठंड भी थी एंड इट वॉज अ लिटिल डेंजरस ऑल्सो क्योंकि यू नो स्लिप हो जाए इंसान एंड वी वर ऑन दीज रियली रॉकी एजेस, यू नो ये रॉकूस थे हमारे पैपिंगों में. तो हमें बड़ी आस्ते आस्ते लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था एंड ऑल दैट. एंड इन दैट होल शॉट एक हमारा सीन था क्लाइमैक्स का वे माई डी ओ पी वॉज ऑन टॉप ऑफ अ फॉक्स रिंग एंड ही वॉज लटकोइंग अपसाइड डाउन विद द कैमरा, यू नो. एंड आई मीन इन इट वॉज वेरी डेंजरस बिकॉज गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो इट वॉज स्नोइंग. हाँ वो इट वॉज वेरी स्केरी लेकिन आई गेस आप जब आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करते हो तब आपको इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर बिकॉज यू नॉट डन समथिंग दैट लाइक दैट बिफोर. तो फॉर मी आई थिंक अगर परफॉर्मेंस वाइज बोले जाए तो मुझे ये सब जो ये जो क्लाइमैक्स जो सीन्स थे और दो सीन्स होते हैं ना दो समथिंग न्यू टू लर्न तो एंड न्यू टू डू. तो परफॉर्मेंस वाइज दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज एंड इट वॉज ग्रेट, इट वॉज ग्रेट ब्रिलियंट. आपने कहा चार लड़कियां हैं, सो आप में से वो जो मतलब वो पोजेस्ट हो गई है सच में जो चौथी है, सो शीज वो सरप्राइज में आएंगी बढ़ जाते हैं यहाँ पे वो बाद में आएगी और वो आएगी बहुत धूमधाम से बिकॉज वी आर नॉट रिवीलिंग हर, हैंगिंग आउट राइट नाउ वी आर नॉट रिवीलिंग हर. वो आत्मा है और वो घूम रही है यहाँ पे. अंधेरे में दिखेगी वो दिखेगी अर्चना हमारी. आज आप जब रात को घर पे जाओगे लाइट ऑफ करोगे उसका चेहरा दिखेगा आपको, वो होगी वहाँ पे. हाँ मैं बता रही हूँ, डराती थी वो बैठी हमें डराती थी. मुझे तो सबसे ज्यादा शी टू स्पूक आउट विद दैट मेकअप एंड एवरीथिंग बट शी इज राइट नाउ भटकोइंग शी कम. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.